खबर आगरा जनपद से, जहां ताज नगरी के तिरंगा चौक को बुधवार को 2000 दिन पूरे कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। अजीत नगर स्थित इस सेल्फी प्वाइंट को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। 26 जनवरी 2018 से यह सिलसिला शुरू हुआ था, जो अनवरत जारी है। अजीत नगर बाजार कमेटी द्वारा प्रतिदिन यहां अपने खर्चे पर झंडारोहण व राष्ट्रगान कराया जाता है। 19 जुलाई को ध्वजारोहण मिसेस क्वीन ऑफ यूपी कॉन्टेस्ट की विजेता रही शिल्पी केसरिया ने किया। इस दौरान अजीत नगर बाजार कमेटी के अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि तेलंगाना में एक जगह बस स्टैंड के पास हर रोज राष्ट्रगान होता है। आगरा के तिरंगा चौक पर पूरे देश में अकेली ऐसी जगह है जहां राष्ट्रगान के साथ प्रतिदिन झंडारोहण भी होता है। कमेटी की ओर से गठित कमांडो टीम ध्वजारोहण के समय व्यवस्था संभालती है। प्रतिदिन ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के पीछे की वजह है युवाओं को अपने देश के गौरवशाली गाथा के बारे में पता चले। युवाओं के लिए तिरंगा चौक सेल्फी प्वाइंट प्रेरणा बना है। बता दें, अजीत नगर बाजार में कुछ वर्ष पूर्व एक गंदगी का अंबार था, जो यहां न खड़ा होना भी पसंद नहीं करते थे। साथ ही पास से बह रहे नाले से बदबू आती थी। इस स्थान का कायाकल्प कर बाजार कमेटी ने एक नई मिसाल शहर के संगठनों के सामने पेश की है। पिछले 6 वर्ष में यहाँ कई रिकॉर्ड बने। सबसे पहले सन 2021 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम द्वारा सम्मानित किया। 18 अक्टूबर 2022 को ओएमजी वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया से सम्मानित किया। 10 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया मिला। इस 15 अगस्त पर ब्रावो इंटरनेशनल अवार्ड, 2023 वर्ल्ड वाइल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, GRRF ग्लोबल रिकॉर्ड रिसर्च फाउंडेशन का सम्मान करना प्रस्तावित है। अब तक यहाँ कई बड़े देश के मंत्री, खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता, पत्रकार, NRI आदि भी ध्वजारोहण कर चुके हैं। इस दौरान मुख्य संरक्षक अजय नोतनानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकास अग्रवाल, DK गोयल, विनय भल्ला, सत्येंद्र दुबे, महामंत्री रितेश महाजन, मनोज गुप्ता, मकबूल अहमद, सुधीर कुमार आदि मौजूद रहे। मैं शिल्पी राजेश यादव जी कमेटी से हैं, अजीत नगर कमेटी से हैं, और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मेरे लिए और मेरे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। इससे संदेश तो ये तो इससे संदेश जाता है कि देश के लिए कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमारे देश के गौरव की बात है कि कंटिन्यू 365 दिन किसी नए गेस्ट के साथ और राष्ट्रगान कुछ भी हो उसको कंटिन्यू करना बहुत गौरव की बात है। इससे संदेश जाता है कि हमारे देश के प्रति कितना समर्पण है, हमारे आगरावासी, ब्रजवासी, मथुरावासी कितना समर्पण दे रहे हैं वो देश के लिए। ठीक ध्वजारोपण का लगातार निर्माण आप कर रहे हैं, नए नए गेस्टों के साथ देश के प्रति संदेश देने का क्या कहना है? मैं सबसे पहले सभी को बधाई देता हूँ, अपनी अजीत नगर बजा कमेटी को, आगरा वासियों को, देशवासियों को, सबको बधाई देता हूँ कि एक और हम 26 जनवरी 2018 से हम निरंतर करते आ रहे हैं, इसको 6 वर्ष पूरे हो चुके, आज हमने 2000 दिन पूरे किए हैं, और ये हमारे लिए, हमारी बजा कमेटी के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हमें 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हो चुके हैं, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड और स्थापित होने वाले हैं जल्दी, तो ये हमारे लिए और भारत वर्ष के सबके लिए गर्व की बात है। बहुत बढ़िया।